हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल एचपी एकेडमी। तो दोस्तों, यूपी टेट 2018 परीक्षार्थी जाएंगे हाईकोर्ट, ये जो है आज की खबर आई है। और इसमें 9 सवालों पर आपत्ति जताई गई है, जिसके लिए 9 सवालों के लिए 9 प्रश्नों के लिए कमेटी बनी है और सहमति दी है कि इन प्रश्नों को कोर्ट में जाएंगे इन प्रश्नों को लेकर के। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 86 वाले जो हैं अभ्यर्थी, जनरल वाले और क्षेत्र वाले अभ्यर्थी जो हैं, आप अपनी राय दें और आयोग जो है उसकी मनमानी नहीं चलेगी। आयोग की के मतलब जैसे कि 2 प्रश्नों पर, एक प्रश्न पर 2 विकल्प नहीं हो सकते। ये कैसे हो जाएगा, इसमें 2 विकल्प कैसे हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव जो पेपर है उसमें 2 विकल्प नहीं हो सकते, एक ही विकल्प होना चाहिए। और इसमें जो संशोधित आंसर की आई है उसमें 2 विकल्प कर दिए गए हैं। तो इसके लिए कमेटी बनी है और कमेटी जो है परीक्षार्थी कमेटी है वो कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट की जो खबर है आज की, इसमें हम वो वीडियो में अपडेट है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा यूपी टेट से रिलेटेड, मैं पल पल की खबरें और यूपी टेट से कोई भी रिलेटेड नोट्स वगैरह कुछ भी आता है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, तो यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए पहले तो मैं इन्हीं प्रश्नों के, देखिए 9 प्रश्नों पर आपत्ति कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। यहाँ पर TET संशोधित आंसर की जारी होने के बाद विरोध तेज हो गया है। और यहाँ पर देखिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शुक्रवार को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट की संशोधित आंसर की जारी होने के बाद परीक्षार्थियों का विरोध बढ़ गया है। ठीक है, विरोध दर्ज कराने वालों का कहना है कि संशोधित आंसर की के बाद ये पता चल गया कि गलत प्रश्नों के चलते उनका परीक्षा पास कर पाना मुश्किल है। ठीक है, ऐसे में वे कोर्ट जाएंगे और अभ्यर्थियों ने एक सवाल के 2-2 उत्तर वाले प्रश्नों को परीक्षा से बाहर करने अथवा सभी परीक्षार्थी को बराबर अंक देने की मांग की है। ठीक है, बराबर अंक देने की मांग की है और मांग करने वाले कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 1-2 अंक से TET से बाहर हो रहे हैं। यहाँ पर शनिवार को बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने सचिव परीक्षा नियामक को पत्र भेजकर उनकी आपत्ति सुने जाने का आग्रह किया गया और परीक्षार्थियों का कहना है कि परीक्षा नियामक की गलती की सज़ा आखिर उन्हें क्यों मिले। तो ये सही बात है कि परीक्षार्थियों को क्यों मिले, जब परीक्षा नियामक की गलती है तो सज़ा परीक्षार्थियों को क्यों मिले और क्यों मिलनी, ये गलत है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये भी दिए गए हैं TET के 9 प्रश्न कौन से हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। TET के 9 सवालों पर अभी भी आपत्ति है। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है। ठीक है, हम उन ये डिस्कस करें, ये है एक दृश्य से अदृश्य की ओर, इसमें 2 विकल्प हैं और निम्न में से कौन सा संवेग या तत्व नहीं है, इसमें भी 2 विकल्प सही माने गए हैं संशोधित में। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, यहाँ पर देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये क्यों है, तो करंट अफेयर जो है सिलेबस में ही नहीं है तो परीक्षा में कैसे आया, तो इसका भी अंक मिलना चाहिए ये भी। तो और यहाँ पर एक और है, नेक्स्ट देखिए, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता है कि, इसमें भी है, और निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को लेकर जा रहे हैं। और ये व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध अशुद्ध है। ठीक है, और निम्न में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द का जो, इसके भी 2 हैं, अस्मद शब्द के षष्ठी बहुवचन रूप है, तो यहाँ पर ये भी, इसके भी विकल्प 2 हैं। तो इन प्रश्नों पर जो हाईकोर्ट के लिए कमेटी जो बनी है वो जा रही है इसका भी, और कमेटी हाईकोर्ट में रिट दायर करेंगे सभी लोग, और रिट दायर करेंगे इसके साथ साथ ये भी है, हो सकता है कि जो आगे वाली जो भर्ती आने वाली है आगामी शिक्षक भर्ती, तो ये जाहिर सी बात है वो पोस्टपोन होनी जरूरी, पोस्टपोन तो होना ही होना है। ठीक है, तो आगे और एक और भर्ती का मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूँ। ये भी खबर आई है कि सवाल पर असमंजस, 1-2 अंक से TET से बाहर जाएंगे कोर्ट। तो यहाँ पर जो 1-2 अंक से TET से बाहर हो रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है कि सभी जाना भी चाहिए,
क्योंकि कोर्ट में जाना इनका बिल्कुल सही है, इनका सही यूं है क्योंकि परीक्षार्थी जो परीक्षा नियामक है उसकी गलती है, इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है आपके अंक जरूर बढ़ेंगे, और ये भी है कि कोर्ट जाना भी सही है क्योंकि परीक्षा नियामक की मनमानी नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये बात ये है कि इनमें देखिए हम और भी आपको इसमें पढ़ के सुना देता हूँ आपको। यूपी टेट जारी संशोधित आंसर की परीक्षार्थियों ने उठाई है आपत्ति, ठीक है। तो यहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शुक्रवार को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET प्राथमिक की आंसर की जारी होने के बाद बड़ी संख्या में परीक्षार्थी एक दो अंक से पात्रता परीक्षा से बाहर हो रहे हैं। पात्रता परीक्षा से बाहर होने का खतरा सिर पर मड़ने से परेशान है। TET में पास नहीं होने पर इन अभ्यर्थियों को 6 दिसंबर को जारी होने वाली शिक्षक भर्ती का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में आंसर की जारी होने के बाद जिन अभ्यर्थियों के हाथ से शिक्षक भर्ती का मौका निकल रहा है वह कोर्ट जाने को तैयार बैठे हैं। पहली बार UPTET में लगभग 18 लाख अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि कुछ प्रश्न कोर्स से बाहर पूछे गए हैं, जबकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के बारे में सवाल किया गया, यह सवाल कोर्स से बाहर था, ये करंट अफेयर्स का था। इसी प्रकार गणित के कुछ सवालों पर भी परीक्षार्थियों को आपत्ति है। सचिव परीक्षा नियामक की ओर से 22 नवंबर को आंसर की होने के बाद परीक्षार्थियों की ओर से पहले दिन 22 प्रश्नों को लेकर सवाल खड़ा किया गया था। तो यहाँ पर ये सारी न्यूज़ थी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जिन विकल्पों में संशोधन किया है निम्न में, ये तो वही है विकल्प हैं जो कि आपको पता है दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखना है ये जो है तो मैं आपको यहाँ से एक और जो है इसमें देख सकते हैं ये पूरा डिटेल। अगर आप वीडियो पॉज करके आप इसे भी देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो इनको मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा, ये आपको पहले से ही पता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जाती है कि कमेटी जो है हाई कोर्ट जा रही है, तो जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो वो कमेंट करें और अपनी राय दें क्या होना चाहिए, ठीक है। अपनी नीचे कमेंट करें दोस्तों और बताएं क्या आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। अपनी अपनी राय दें, अभी कमेंट करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि कोई भी हाई कोर्ट से रिलेटेड UPTET से कोई भी खबर आएगी तो सबसे पहले आपको अपडेट किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और दोस्तों चलिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इस जानकारी के बारे में पता चले। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।